हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। सिफत की दुनिया में आपका स्वागत है और आज मैं बनाने वाली हूँ अरहर की दाल, जिसे तुअर की दाल भी कहा जाता है, बिल्कुल ढाबे वाली स्टाइल में। ये मैंने 300 ग्राम दाल ले ली है और मैंने इसको अच्छी तरीके से धो लिया है और इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है और 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है हमने इसके अंदर। अब ये हल्दी पाउडर से ये फ़ायदा होगा इसका कि जब दाल में विसल आएंगी तो है ना ये पानी बाहर नहीं निकलेगा। और मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाल दिया है, आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। अब मैं इसकी कुकर का ढक्कन लगा के गैस फ्लेम ऑन कर दी है मैंने और इसको गैस पर चढ़ा दिया है। 2 सीटी आने के बाद आप इसको कुकर को बंद कर दें। ये मैंने 1 प्याज ले ली है, 1 टमाटर ले लिया है, 2 हरी मिर्चें ले ली हैं और मैंने अदरक को घिस लिया था क्योंकि अदरक का टेस्ट घिसने पे बहुत ही अच्छा आता है। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और मैंने इस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और ऑयल भी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर 1 पिंच हींग डालेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, 1.5 स्पून। ये अच्छे से सोटे हो रहा है, आप देख सकते हैं इसे। और गैस की फ्लेम आप स्लो ही रखिएगा और मैंने इसके अंदर 8 भी डाल दिया है जो अपन ने ग्रेटर से घिसा था उसे। अब ये आप अच्छे से मिला लीजिए और गैस की फ्लेम स्लो ही रहन दीजिएगा क्योंकि नहीं तो ये जल जाएगा। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन मत होने दीजिएगा क्योंकि नहीं तो उसके अंदर जला जला सा टेस्ट आता है और मैंने प्याज को लंबा काटा है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर उतरता है इन मसालों में। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई है, ज़्यादा ब्राउन मत करिएगा आप इसको। और मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं और हरी मिर्च। ये देखिए अब इसको हम अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1.5 टीस्पून, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। नमक से टमाटर और प्याज जो है वो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी हो जाएंगी। ये देखिए ये थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होने लगी है। मैं आपको एक टमाटर तोड़ के दिखाती हूँ हल्का सा, कितना अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं टमाटर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तेज सरफेस पे आने लगा है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और थोड़ी सी धनिया डाल दी है, 1.5 टीस्पून ही। और हल्दी आप इसमें कमी डालिएगा क्योंकि अपन ने दाल में भी ऐड कर दिया, तो 1.5 टीस्पून से थोड़ी कम मैंने इसमें हल्दी ऐड करी है। और गैस की फ्लेम आप स्लो ही रहने दीजिएगा नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब इसको हल्के से और थोड़ा सा भून लीजिए कि ये सारी चीज़ों में अच्छे से लपट जाए। इसके अंदर फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे कि मसाले चिपके नहीं तो मसाले चिपक जाएंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए ये अच्छे तरीके से भून रहे हैं मसाले, बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगे हैं। ये सारे मसालों में से जो स्मेल है वो भी चली गई है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये कुकर का मैंने ढक्कन खोल लिया है। आप देखिए दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए मैं आपको दाल थोड़ी सी निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए आप दाल को कितनी अच्छी गल गई है। दाल को ज़्यादा कुक ना करें नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और ये मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं, ये तेल भी पूरा सरफेस पर आ गया है। ये देखिए आप कितना अच्छा सरफेस पर आ गया, पूरा तेल अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। ये देखिए आप मैंने दाल ऐड कर दी है, दाल ज़्यादा कुक नहीं है, देखिए आपको दाने दाने से भी दिख रहे होंगे इसके अंदर। अब हम इसको थोड़ा सा मिला भी लेंगे कि मसाले कहीं चिपके ना और ये थोड़ी अच्छे से हो जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिल गई है दाल। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आप अपने आपको जैसे भी ग्रेवी चाहिए हो, पतली गाढ़ी, तो आप अपने हिसाब से पानी को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए दाल बहुत अच्छे से गल गई है और इसके अंदर बहुत अच्छा उबाल भी आ रहा है दाल के अंदर। अब हम करेंगे बघार की तैयारी और हम दाल को बघारते हैं। पहले हम इस दाल को थोड़ा सा डिश आउट कर लेते हैं।
ये मैंने दाल को डिश आउट कर लिया है। अब हम इसमें बघार लगाएंगे। बघार के लिए मैंने दो लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, एक पिंच हींग और मैंने इसके अंदर बटर डालूंगी। बटर से इसका दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। गैस की फ्लेम ऑन कर ली है मैंने, वो ये देखिए बटर डाल दिया है। अब इसके अंदर हम सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको सोटे होने देंगे क्योंकि सारे मसालों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। और गैस की फ्लेम आप स्लो ही रहने दीजिएगा, ज़्यादा तेज़ मत करिएगा नहीं तो ये सारे मसाले जल जाएंगे। अब हम इसका तड़का लगाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इसके ऊपर से कोरिएंडर भी डाल दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।